ये वो तमाम गिफ्ट्स हैं जो तुमने मुझे दिए थे। अब मैंने तुम्हारी दी हुई हर चीज तुम्हें लौटा दी है। नवाल, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। आना जरूरी हो गया था क्योंकि मुझे इस रिश्ते की कोई भी याद नहीं चाहिए। मुझे तो अफसोस है कि मैंने इतने गिरे हुए कम ज़र्फ इंसान से मोहब्बत की थी। अफसोस तो मुझे होता है कि मैंने अफसोस ये कुछ भी नहीं है। अफसोस तुम्हें तब होगा जब इसकी असलियत तुम्हारे सामने खुल के आएगी, तुम्हें इसका असली चेहरा नजर आएगा, जब तुम्हें समझ आएगी कि इसने सब कुछ प्लान करके तुम्हें मुझसे मतगुमान किया था। क्या बकवास कर रही हैं? ये सब झूठ बोलकर इनको मेरे खिलाफ करना चाहती है ना? और हमसे आप क्यों सुन रहे हैं? गार्ड्स बुलवाएं, धक्के मार के इनको यहाँ से निकालें। तुम से तो मुझे गेंद आती है। तुम्हें तो मैंने बहन कहा था और तुम क्या निकली एहसान फरामोश खुदगर्ज। बस कर दो नवा, इसमें इसका क्या कसूर है? इसने क्या किया? मैंने तुमको सिर्फ तुम्हारी वजह से छोड़ा था। जिस शख्स से मैं आज तक इतनी नफरत करता हूँ, तुम उसके साथ अफेयर चलाती रही हो। इतना बड़ा बिजनेसमैन होके ना इतनी कम अकली तुम पे जचती नहीं है हमजा। आंखें खोलो अपनी, मेरा कबीर के साथ कभी अफेयर नहीं था, वो सब इसकी प्लानिंग थी। कबीर के घर मुझे लेके जाना, वहां तुम्हें फोन करना, वहां तुम्हें बुलाना, ये सब इसका किया हुआ है। आंखें खोलो और देखो तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अफेयर चलाना होता तो तब ना चलाती जब तुम मुझे छोड़ के जा चुके थे। इसने अपने मफाद के लिए तुम्हें ट्रैप किया है। झूठ बोल रही हो, सब झूठ। अनक को मुझसे क्या वफाद होगा? तुम्हारा पैसा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा स्टेटस, यही कहा था तुमने मुझसे। इसे झूठ बोल रही हैं आप? ये सब मैंने कब कहा और मैं क्यों कहूंगी हमको? नहीं, झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही हो और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो। बस कर दे, बहुत हो गया। यहाँ आकर ये सब बातें करके आप साबित क्या करना चाहती हैं? खुद तो बहुत पार्टनर समझती हैं आप। मैं अभी तक चुप्पी से रिश्ते था कि आपकी इज्जत का तमाशा ना बने, लेकिन अगर सबको सुनना है तो मैं बताती हूँ। कबीर के साथ अफेयर चलाकर उनको मेरे खिलाफ करके मुझे तलाक दिलवा दिया आपने, और अब यहाँ आकर हमजा को मेरे खिलाफ भड़का रही है। पता नहीं क्या सच्ची झूठी बातें कर रही है। क्यों मेरी जिंदगी से चली नहीं जाती है? मुझ पर एहसान करे, मेरी जिंदगी बचते चली जा रही है। मुझे अपने आप को पार्षद साबित करने के लिए किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। नवाल, तुम चली जाओ यहाँ से। इससे पहले कि मैं तुम क्या? तुम अपनी एक्स फियांसे के साथ क्या करोगे? मुझे खुद निकालोगे यहाँ से, घसीटोगे, मारोगे क्या? लेकिन पता है, नॉट इवन योर फॉल्ट, बट तुम्हारी मर्जी। ऐसा है, इंसान अकल से पैदल हो जाता है, अंधा हो जाता है, और तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। अल्लाह तुम्हारी रस्सी दराज कर चुके हैं वलद, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें जरूर कहूंगी कि ये दुनिया मकफात अमल है, जो किया है वो भुगतना पड़ेगा, और अल्लाह किसी का जफर जाया नहीं होने देते। एक मेरी जिंद कली दुख ने हजार वे टूटे आए मान मेरा की कवा यार वे लंबी जुदाई तेरी रख देवे साड़ के जद आवे याद तेरी लंगे सीना पाड़ के जब भी याद किया एक हाँ।